भोजपुर आरा के जिला समादेष्टा जिला अग्निशमक वरिष्ठ पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के प्रतिष्ठान के मालिक व्यवस्थापक को अग्नि से बचाव और सुरक्षा के लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों में अग्निवर्धक यंत्र और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने की बात कही है, जिससे अग्नि से आम जन को बचाया जा सके, धन और सामानों की हानि न हो। अभी हाल में हम लोग दिनांक 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्नि समन सुरक्षा सप्ताह हम लोग मनाए हैं, जिसके तहत हम लोग आरा जिला के सभी प्रखंड और अनुमंडल में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया गया है। जागरूकता अभियान हम लोग चलाए हैं, जिसके तहत हम लोग ये नुक्कड़ नाटक किए हैं, प्रोपगंडा किए हैं, मुखिया लोगों के साथ बैठक किए हैं, जनप्रतिनिधि और गांव गांव में घूमकर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको कैसे इससे बचाव करना है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने पूरा जन जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को आगाह किए हैं कि इस भीषण गर्मी के समय में कैसे सावधानी बरतनी है कि कम से कम आग से हमारे जन धन की बचाव हो सके, कम से कम क्षति हो। और उसी क्रम में आज हमने स्थानीय मंडल कारा का भी फायर ऑडिट किया है और हम लोग ये प्रचार प्रसार पूरे ज़िले में कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी 30 जून तक कहीं भी कोई भीषण अग्नि की घटना नहीं घटे, इसके लिए हमारे सभी विभागीय कर्मी तत्पर हैं। मैं स्वयं तत्पर हूँ, मैं अपना रख करके मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे शहरवासी जितने जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं, व्यवस्थापक हैं, उन्हें आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहते हैं कि जिनके प्रतिष्ठान का फायर ऑडिट नहीं हुआ है वे काइंडली आवेदन देके जिला फायर अफसर डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर के नाम से एक आवेदन दें। उस आवेदन के आलोक में मैं तिथि निर्धारित करूँगा और उनके फॉर्म का फायर ऑडिट किया जाएगा, जिसके तहत ये हम लोग तिथि निर्धारित करके जो कमी पाई जाएगी उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग उनको एक पत्र देंगे और सलाह देंगे। तो उसके तहत हम ये समझ लेंगे कि हमारा मेरी कार्रवाई ढंग से हो रही है और शहर के सभी प्रतिष्ठान को हम ये करेंगे। उस प्रतिष्ठान में मुख्य कर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, कोचिंग संचालक लोग हैं, प्लस ये होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ये नर्सिंग होम हैं, ये और सरकारी महकमा के जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मॉल हैं, जो व्यवसायी हैं, जो अपना गोदाम वोदाम भी रखते हैं, गैस गोदाम वाले को, पेट्रोल पंप वाले को मैं अपील करना कर रहा हूं कि वे लोग डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर के नाम से एक आवेदन दें कि प्रत्येक साल एक फायर ऑडिट की जाती है सभी फर्मों का, तो जिनके फर्म का ऑडिट नहीं हो पाया है आवेदन रिक्वेस्ट करेंगे, उसके आलोक में हम लोग जा कर के वो ऑडिट करेंगे और पाई गई कमी को हम लोग उनको सलाह देंगे कि क्या क्या फायर सिक्योरिटी के लिए आवश्यक उपस्कर और अग्निरोधक यंत्र कहाँ कहाँ अधिस्थापित करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, चाहे हमारे जितने व्यवसायी हैं और जो प्रतिष्ठान संचालक हैं, अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे तो किसी तरह की अप्रिय घटना की नहीं घटेगी और हम सभी सचेत रहेंगे, हमारा भोजपुर ज़िले के सभी वासी, शहर के वासी सुरक्षित रहेंगे। यही मेरा संदेश है और हम अपने कर्मी को भी सलाह दिए हैं कि पूरे मनोयोग से जाकर कहीं भी कोताही नहीं बरतनी है, किसी तरह की घटना घटती है तो अचूक रूप से कम समय में पहुँच कर उस पर नियंत्रित कर सके। धन्यवाद। ब्यूरो चीफ शशि भूषण सिंह की रिपोर्ट।